हेलो एवरीवन, आज है 22 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। 5% का डिक्लाइन है और देखो एक्सपेक्टेड था गिरावट आएगी, और ऐसा नहीं कि जब गिरावट आई तब मैं बात कर रहा हूँ। जब 150 पैसा तब भी मैंने कहा था कि गिरावट यहाँ पर आने वाली है, कोई तुक नहीं बनता खरीदारी का। इवन कल भी जब 140 रुपये से ऊपर ट्रेड करता तब भी मैंने कहा था कि कोई तुक नहीं बनता है यहाँ पर खरीदारी करने का इस प्राइस पर, क्योंकि जो इसका IPO भी आया था 76 रुपीज़ पर, उसको भी कुछ खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ओला इलेक्ट्रिक 130 रुपये का शेयर 5% का डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला ज़रूर है, और 9 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। और देखो जब इसने पैसा डबल करा था, ठीक है, जब इसने 150 पे था ये शेयर, ठीक है, तब कई सारे मीम्स इसके ऊपर बन रहे थे, ठीक है, कई सारे मीम्स बन रहे थे सोशल मीडिया पर। और जहाँ तक देखा जाए तो भैया 157 रुपीज़ पर गया था ये, 76 रुपीज़ का IPO प्राइस था, तो 8 ही दिनों में 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न इसने कमा कर दे दिया था। तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। और उसकी वजह भी ये थी कि जैसे ही इन्होंने मोटरसाइकिल की अनाउंसमेंट करी थी, 2 दिनों में लगातार 2 दिनों तक 20-20% के अपर सर्किट लगते रहे थे, और उसकी वजह ही ये थी कि देखो इन्होंने मोटरसाइकिल का जो अनाउंसमेंट का था उससे एक पॉजिटिव मोमेंटम इसके लिए क्रिएट हो गया था, वो इनके फेवर में काम कर गया। मार्केट कैप इसका 57,000 करोड़ से भी ज़्यादा का भी देखने को मिल रहा है। और इवन जब कल मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर, तब मैंने इसको कंपेयर करा था हीरो के साथ, और कमेंट में काफ़ी लोगों ने बोला था कि इसको हीरो के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, जबकि हीरो का जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ के आसपास का है। उन लोग कह रहे थे कि भैया हीरो ओल्ड एज कंपनी, तो अगेन मैं कह दूं भैया उनको टाइम नहीं लगेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आने में। इवन एथर में अगर आप देखो तो भैया हीरो का ही है वहाँ पर, ठीक है, तो वो भी आप समझो उस चीज़ के बारे में। अगर आप ओला को न्यू एज कंपनी बोल रहे हो, इनकी टेक्नोलॉजी को आप अच्छी कह रहे हो, तो हीरो के पास सालों का तजुर्बा भी है। और दूसरी बात एथर की अगर हम बात करें तो एथर का भी जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे इंप्रूव होगा। हालांकि ओला का जो मार्केट शेयर वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारी जो कंपनीज़ है वो इस सेक्टर में आ रही है, जो पुरानी कंपनीज़ है वो आ रही है इस सेक्टर में, और जब वो आएगी तो वो मार्केट शेयर ज़रूर इनसे छीनेगी, थोड़ा बहुत तो छीनेगी डेफिनेटली। हालांकि अच्छी बात इन्होंने जो मोटरसाइकिल लॉन्च करी वो अच्छी बात है, कोई ख़राब चीज़ नहीं है ये। और कंपनी को लेकर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 77% लोग कह रहे खरीदारी करो, और 17% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, 6% लोग कह रहे यहाँ पर होल्ड करो। और जैसे कि मैंने कहा था कि जो इसका IPO आया था ना, तो कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था इसको, ठीक है, मुश्किल से 4.5x सब्सक्राइब हुआ था ये, और उनमें से भी एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करा था इसको, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ 4x सब्सक्रिप्शन मिला था इसको। जनरली अगर कोई और IPO होता तो इतनी अच्छी लिस्टिंग भी नहीं होती उसकी, जनरली नेगेटिव में खुलते हैं ऐसे IPOज जो 5x जितने सब्सक्राइब होते हैं। इवन कुछ IPOज 10x सब्सक्राइब हुए, 15x सब्सक्राइब हुए, लेकिन फिर भी गिरावट में ओपन हुए हैं वो, या कोई तेज़ी में ओपन नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिली। और उसके बाद जैसे ही इन्होंने मोटरसाइकिल लॉन्च करने की अनाउंसमेंट करी, लगातार 2 दिनों तक 20-20% की अपर सर्किट यहाँ पर लगती रही, यही एक वजह थी यहाँ पर। और आज अगर हम देखें ओला इलेक्ट्रिक के तो यहाँ पर सिंपल से एक प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिल रही है, और ये एक्सपेक्टेड था कि प्रॉफिट टेकिंग तो देखो आएगी, क्योंकि डबल हो गया शेयर। जब IPO में 76 रुपीज़ में लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे थे, तो आप 150 में लोग खरीदेंगे उस चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखना ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत है। इवन जब मैंने इसके बारे में बात भी करी थी जब 150 पे था, काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स आए थे मेरे कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, बेहतरीन कंपनी। अगेन कह दूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी वाला जो इसका जो पाथ है वो डेफिनेटली इनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। हालांकि इन्होंने जो लॉन्च करे स्कूटर्स वगैरह वो डेफिनेटली वो बहुत अच्छे, टेक्नोलॉजी अगर आगे और इम्प्रूव करते तो अच्छी बात है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि अब तक ये इकलौते राज कर रहे थे, और जो थे भी एथर कह लो, वीडा कह लो, बहुत सारी है, वीडा भी देखो तो भैया उन्हीं की है, ठीक है, तो ये सारी है डेफिनेटली है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं आगे और TVS एंट्री करने वाली बहुत सारी कंपनी एंट्री करेगी यहाँ पर टू व्हीलर्स में, तो मार्केट कैप्चर तो करेंगे वो लोग, ठीक है। और जहाँ तक प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर देखा जाए तो यहाँ पर अभी भी कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है कि प्रॉफिटेबल कब होंगे ये। यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि कंपनी अच्छी है, बेहतरीन कंपनी मैं कहूँगा इसको, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन जो है वो थोड़े से महंगे ज़रूर है। और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट इन्होंने जो लॉन्च करा था वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा इनके लिए काम करा, जिसके चलते हमें शेयर में तेज़ी देखने को मिल गई यहाँ पर। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करें कंपनी में, तो उन्होंने जो प्रॉफिटेबिलिटी को जो बोला है वो अभी भी कंसर्न है, जैसे कि ही वॉज रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेरी ऑन ओला इलेक्ट्रिक का जो रोड मैप है प्रॉफिटेबल को लेकर एज इट रिमेन अ कंसर्न डिस्पाइट द कंपनी शेयर प्राइस। अगर आप देखो वो डबल हो चुके हैं, आईपीओ प्राइस है, ठीक है, लेकिन वो अभी भी कंसर्न है। लेकिन उनका ये कहना है कि एज वॉल्यूम्स आर ग्रोइंग द मार्जिन आर इम्प्रूविंग बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ आर नॉट ग्रोइंग विथ इट एंड दैट्स वन थीम फॉर द पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी। उनका कहना है कि देखो भैया, जैसे जैसे हम ज़्यादा वॉल्यूम में मास प्रोडक्शन करेंगे तब हम प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। और इन्होंने जो आईपीओ के जरिए जो पैसा रेस करा है उसका सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होगा वो गीगा फैक्ट्री लगाने वाले हैं, वहाँ पर होने वाले, और वहाँ पर मास प्रोडक्शन भी आपको देखने को मिलने वाली है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इस कंपनी की जो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है वो है गवर्नमेंट सब्सिडीज़ के ऊपर, ठीक है। अगर गवर्नमेंट देखो अभी तो सब्सिडी दे रही है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि लोग ईवी को अडॉप्ट करें, लेकिन जैसे जैसे लोग अडॉप्शन करना शुरू कर देंगे गवर्नमेंट सब्सिडी को कम कर देगी या फिर ख़त्म कर देगी। उसका सीधा असर इनके प्रॉफिटेबल अगर थोड़े बहुत टाइम में बन भी जाते हैं, मतलब 4-5 साल बाद भी, और अगर गवर्नमेंट ने बंद कर दिया तो वापस से लॉस में आ जाएंगे ये, तो ये दिक्कत यहाँ पर ज़रूर रहने वाली है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि एज अ स्ट्रेटजी वी डिड मच मोर वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग। एज वी कंटिन्यू डाउन दैट पाथ वी आर फर्दर सी मार्जिन एक्सपांशन बिकॉज द इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम द ग्लोबल सप्लायर, वो खुद ही चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। पूरा का पूरा वर्टिकल इंटीग्रेशन अभी कंपनी कर रही है, जो कि अच्छी बात है, जो रिवर्स इंटीग्रेशन कह लो वो अच्छी बात है कंपनी कर रही है। और देखो मैं मानता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो सकती है, लेकिन अभी के लिए देखो जब जोमेटो का शेयर आया था अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिला था उसको, बेहतरीन तेज़ी आई थी, उसने भी पैसा डबल कर दिया था, लेकिन बाद में गिरकर जोमेटो का शेयर भी बहुत ज़्यादा गिरा था, फिर दोबारा तेज़ी आई थी। तो यहाँ पर भी मैं कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी तो देखो अभी लिस्टिंग गेन मिल गया, अच्छा खासा पैसा डबल हो गया, अब यहाँ से एक मेजर फॉल मतलब हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद फिर दौड़ने की कोशिश करें, लेकिन अभी तो एक जो मेजर फॉल है वो यहाँ पर आना चाहिए या फिर आपको आता हुआ नज़र आ सकता है यहाँ पर। और जहाँ तक एक अच्छी बात इन्होंने करी कि भैया इन्होंने पहले था कि ये लोग ना इलेक्ट्रिक कार्स भी बनाने वाले हैं, ठीक है, बना रहे हैं, तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि वी आर नॉट वर्किंग ऑन इट राइट नाउ, ठीक है। उनका जो विज़न है वो अभी 2 व्हीलर्स को लेकर है, कंपनी के स्केल को लेकर है, और वहीं पर वो करेंगे, अदर प्रोडक्ट्स भी है, लेकिन जो कार्स वाला जो है वो अभी इन्होंने उस पर ऊपर काम नहीं कर रहा है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि भाई साहब वहाँ पे अगर कार्स में काम करना शुरू कर दे तो अगेन एक और खर्चा वहाँ पे लग जाता, ऑलरेडी कंपनी प्रॉफिटेबल है नहीं, तो दिक्कतें ज़रूर बढ़ जाती हैं इनके लिए। और जहाँ तक बात करिए कंपनी के वैल्यूएशन की, तो देखो जाहिर सी बात है कंपनी लॉस मेकिंग है, पी नेगेटिव में ही होगा इसका, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, और जहाँ तक फिनेंशियल देखेंगे तो भैया उतने अच्छे नहीं है, लॉस है यहाँ पर, रेवेन्यू में ग्रोथ ज़रूर है और लॉसेस ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए। शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 36.78% की है, इंस्टीट्यूशन के पास 5, जिसमें म्यूचुअल फंड 5.19% पर है, 1.66% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लेकर बैठे और एफआईएस यहाँ पर 7.64% का स्टेक लेकर बैठे हैं। रिटेल इन्वेस्टर के पास होल्डिंग है 4.45% की, अदर पार्टीज 44.28% पर है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब नेक्स्ट क्वार्टर में शेयर होल्डिंग अपडेट होगी ना, तब रिटेल इन्वेस्टर ही खरीदारी करते आपको नजर आएंगे, शायद इंस्टीट्यूशंस जो होंगे, म्यूचुअल फंड हो, डोमेस्टिक हो या फिर एफआईएस हो, वो आपको बिकवाली करते नजर आएंगे। ये जो 150 पे गया है ना शेयर, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशंस ने इस दौरान बिकवाली ज़रूर करेंगे, ये इंस्टीट्यूशंस, ये मेरा मानना है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ आईपीओज़ में ये चीज़ देखी गई है कि काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन जब हो जाता है तो भैया रिटेल इन्वेस्टर खरीदारी करना शुरू करते हैं, जबकि इंस्टीट्यूशन बेचना शुरू करते हैं उस टाइम पर। एरडा में ये चीज़ हम देख चुके हैं, इवन कई सारी और कंपनीज़ में भी हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं, तो यहाँ पर भी मैं कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर ये मेरा मानना है, मैं यहाँ पर गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं, वीडियो को एंड करता हूँ। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ओला इलेक्ट्रिक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।